कि ओबेसिटी इज़ द कॉमन कॉज, के उसकी वजह से ये सारी बीमारियां हमें लाहक हो जाती हैं, तो इसके लिए हमें किस तरह की एक्सरसाइज या किस तरह का योगा हमें करना चाहिए? आपको वनीबा मेरी आवाज़ सही से आ रही होगी। सो जो टॉपिक है वो बहुत जाहिर है वो मेरे से दिल के करीब भी है, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स वगैरह ज्यादा जो लोग हैं वो इसी चीज से मैं उनको डील कर रही होती हूँ। सो कि हम बात करते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, तो एक्सरसाइज हर हाल में आपके लिए जरूरी है, जिस तरह मैं पहले बात करी थी। सो हाई ब्लड प्रेशर जब होता है, आपकी ब्रीदिंग चेंज हो जाती है, उसका पैटर्न चेंज हो जाता है, आपकी हार्ट बीट चेंज हो जाती है। ब्लड प्रेशर का मतलब ये हाई होना, तो वो जो आपको सिम्टम्स आने लगते हैं, अगर आप उस दौरान भी, जिस तरह मेरे बैकग्राउंड में भी हम पहले देख रहे थे कि वो ब्लू कलर है, अगर आप ब्लू कलर को सोच कर भी मेडिटेट करना शुरू करते हैं, तो आपकी जो सांस है उस पर आपका कंट्रोल आना शुरू होगा। दूसरी चीज, आप फिजिकल एक्टिविटी आसान सी सिर्फ आपने ये करनी है कि 2 से 3 एक्सरसाइजेस आपने कोई भी चूज कर लेनी है, चाहे वो योगा है। मिसाल के तौर पे योगा के अंदर आप कोबरा पोज अगर कर रहे हैं तो 1 मिनट तक उसको ले जाएं, 2 से 3 दफा दोहराएं। चाइल्ड पोज कर रहे हैं 2 से 3 दफा दोहराएं। बटरफ्लाई पोज है उसको आप 2 से 3 दफा दोहराएं। आप जब मैं ये बात करेंगे, वो सारी चीजें जो हाई ब्लड प्रेशर और साथ ही साथ आपकी डायबिटीज को भी कवर करेंगी, आपको फैट लॉस की तरफ भी लेके जाएंगी, आपके हॉर्मोन्स को भी बैलेंस करेंगी। ये जो रैपिडली वेट लॉस है वो भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ लेकर जाता है, और डायबिटीज का इशू आता ही हार्मोन के कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होने से है। सो हमने करना ये है कि बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज भी नहीं करनी, बट डेली बेसिस पे हमने 30 मिनट्स अपने आप को देने हैं। वो किस तरह से कि आपने 30 मिनट सिर्फ और सिर्फ आप हल्की सी एक जगह पर, जैसे हम जॉगिंग पिच सिखा रहे होते हैं बहुत सारे सेगमेंट्स में, आप वो करेंगे 2 से 3 दफा। अगर आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो आप स्टेप जैक्स ऐड कर सकते हैं, आप बर्पीज ऐड कर सकते हैं, आप हाई नीज ऐड कर सकते हैं। योगा है तो यही 2-3 जो पोज है, और स्पाइनल ट्विस्ट आप इसके साथ अगर ऐड करें तो आपके हॉर्मोन्स को वो बहुत अच्छे से रेगुलेट करेगा। अच्छा, लेकिन तो जो शुगर के पेशेंट है सुलाफे खासतौर पर, वो कहते हैं जी हमें बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील होती है, हमारे जिस्म में दर्द रहती है, तो हम लोग इतनी ज्यादा इंटेंसिटी वाली वर्जिश या एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए हमें थोड़ी सी हल्की फुल्की बता दें कि वो किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, और दूसरा उन्हें एक हफ्ते में कितने दिन उनको करनी चाहिए एक्सरसाइज? अच्छा मुनीबा, ये बहुत अहम सवाल है यहाँ पे, बिकॉज बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है शायद डेली एक्सरसाइज करनी है। आपने हफ्ते के अंदर मिनिमम आपने 150 जो मिनट्स हैं, और 75 मिनट्स या मिनिमम जो आपके 150 मिनट्स हैं, मैक्सिमम वो 200 से ऊपर भी जाते हैं, वो मिनट्स आपने पूरे करने। लेकिन इस मिनट्स के अंदर जरूरी नहीं कि आपने एग्रेसिव एक्सरसाइज करनी। आपका सवाल इसलिए मैंने कहा अहम बहुत था, उसके अंदर आपने हफ्ते में अगर 4 दिन एक्सरसाइज करें तो आप देखें कि आपके मिनट्स कितने हुए हैं। शुरू के अंदर आप अगर आप 100 मिनट्स भी पूरे कर लेते हैं, यानी एक जगह पर रहते हुए जॉग इन प्लेस, हाई नीज, और वो बड़ी लो इम्पैक्ट होती हैं, या आप योगा कर रहे हैं उसके अंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइज मेडिटेशन को मिला के 10 मिनट्स आपके वो बन जाएंगे, जहां आप अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे, किसी कलर के बारे में सोचेंगे, राइट? 10 मिनट्स आपके वो बन जाएंगे। 20 मिनट्स में आपने ये करना है कि 3 से 4 दफा हर पोस्चर को दोहराना है, जो मैं लोगों को भी बताने वाली हूँ।